मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह अब गुजरात में पेट्रोल और डीजल 88 रुपीज पर लीटर हो चुका है, 88 रुपीज पर लीटर हो चुका है। नारे लगाओ लगाओ, बोलो नारे लगाओ, 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। 88 रुपीज पर लीटर डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जिसमें से 38 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार को जाते हैं। ये बीजेपी वालों, अगर तुमको गरीबों से इतनी सी मोहब्बत है तो जाकर अपनी सरकार से कहो कि गुजरात का गरीब परेशान है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला परेशान है, गांव से मार्केट को तरकारी लाने वाला परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भारत में कई गरीबों की नौकरियां जा रही है, मगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। हमको अल्लाह ने सोचने और समझने की ताकत दी है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल था 2013 में और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल ऑयल बिक रहा है वो 2014 से कम है, मगर आपकी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 38 रुपीज लेती है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब, उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीज का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे हैं। अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो कल ऐलान कर दो आप मन की बात में कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के खातिर टैक्स को कम कर दिया, 1 रुपया नहीं 2 रुपया नहीं बल्कि पूरे 10 रुपये मैंने टैक्स में कम कर दिए। मोदी जी, आपने गरीबों को बड़ा ख्वाब दिखाया था, 15 लाख तो नहीं आए, कम से कम 10 रुपये कम कर दो आप अपने टैक्स में, 38 रुपीज की जगह आप 28 रुपीज ले लो। मगर ये बीजेपी के लोग बोलेंगे ए ओवैसी ये भड़का भाषण देता, ए ओवैसी आके ऐसा ही बोलता है। अरे ऐसा ही बोलता रहेगा, मगर तुम भी तो सोचो कि तुम्हारे जेब से पैसे निकल रहे, शायद तुम्हारे पास 15 लाख आ गए होंगे, गरीब के पास नहीं आए, शायद इनके पास 15 लाख आ गए होंगे, इसीलिए ये कुछ नहीं बोलते। मगर आपको बता रहा हूं कि इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है।